Hello guys, welcome to Mata Pandit's channel for the Madristas, by the Madristas and of the Madristas. Good news everywhere और भाई I didn't expect Madrid से इतनी good news है ना. मतलब हम लोगों को तो आदत है कि एक दिन अच्छी और दूसरे दिन बर्बादी, but अभी कुछ अच्छा positive निकल के आ रहा है तो अच्छा लग रहा है. मतलब ठीक है, आया है कुछ positive देख के अच्छा लग रहा है. पहले start करते हैं तो bigger return से, that is Zinedine Zidane की बात करते हैं. Zizou, my favorite player of all time. तो बात यह है कि Zinedine Zidane is the priority one if Ancelotti leaves. यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछें, am I surprised with this news? I'll say थोड़ा बहुत. देखो जिस दिन वो आया था कि रिपोर्ट सैंटी जी एफ एम ने की थी पहले भी, कि जब उन्होंने टीयर लिस्ट दी थी उसमें Zizou को इन्होंने थर्ड नंबर पे रखा था, जिस दिन वो आई थी आई वॉज अ बिट अम्यूज्ड. बट उसके बाद से आई वाज लाइक कि हाँ ये कॉन्क्रीट तो होगा, क्योंकि सैंटी जी एफ एम की तीन न्यूज डायरेक्टली हिट कर चुकी हैं ऑन टारगेट. तो इट इज नो सरप्राइज कि अब Zizou लिंक हो रहे हैं और उनका प्रायोरिटी है कमिंग टू रियल मैड्रिड. यहाँ पे एक चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि क्या Zizou का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्या वो अभी भी ओल्ड प्लेयर्स को बोलेंगे. और जैसा सपोजिटली उनके लिए बोला जाता है कि दिस गाय डजंट गिव रिस्पेक्ट टू यंग टैलेंट्स, इसने विनीशियस को नहीं बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो मिथ बर्स्ट कर देता हूँ. 62 इंजरीज थी उस सीजन, ठीक है. विनीशियस जो राइट विंग बैक या फिर लेफ्ट विंग बैक जो आप बोलते हो ना खेला था ना, वो इंजरीज के कारण खेला था, इसलिए नहीं खेला था कि Zizou का दिमाग नहीं है. वी डिडंट हैव प्लेयर्स. अब भाई अगर आप मेरे से एक चीज पूछें कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? हलवा थोड़ना है. आप यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके प्लेयर्स आके परफॉर्म करें जब उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है. आपको किसी प्लेयर को इधर खिलाना पड़ रहा है, किसी को उधर खिलाना पड़ रहा है, चल रही है टीम, स्क्वाड डेप्थ थी बट इंजरी इतनी ज्यादा थी, आधे प्लेयर तो खेल ही नहीं पा रहे थे. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सिडान खुद आगे पिच पर, नहीं भाई मैं खेल लूंगा कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं होता ना. थोड़ा स्मार्ट बनो, मतलब थोड़ा अपना इंटेलेक्ट आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम ट्विटर वाले बनने लग गए तो तुम्हारा दिमाग सही में खत्म है भाई, यू आर फिनिश्ड. एंड दैट्स ट्रू, दैट इज फैक्ट्स. अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि सिडान का रिटर्न विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स Zidane के साथ वो बोला जाता है. बट अब एट दिस पॉइंट हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जो नियर द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग सुपरस्टार्स हैं, एंड Zidane के साथ वो सुपरस्टार वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो आप समझ सकते हो कि हमारे वो प्लेयर जो अभी हमें लग रहा है कि ठीक है यार वो नियरली वर्ल्ड क्लास हैं, वो बन जाएंगे वर्ल्ड क्लास. आप सोचो एक अच्छी टीम खड़ी हो जाएगी Zidane के लिए. क्या Zidane के आने से Kylian Mbappe आता है, द बिगर क्वेश्चन. मतलब एवरी वन विल आस्क मी दिस क्वेश्चन इटसेल्फ एंड द आंसर इज मे बी. क्योंकि अगर आप देखो तो पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी कभी Zidane पे डिपेंड नहीं करेगी, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन Florentino Perez. बट अब यहाँ पे एक चीज मैं डालना चाहूंगा जो आपको अच्छे से समझनी है. ड्यूरिंग हिज प्रायर वर्क एट रियल मैड्रिड एंड ड्यूरिंग हिज प्रायर रेन एट रियल मैड्रिड, Zidane हैड एन इश्यू विद Perez बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ साइनिंग्स, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट, राइट. दैट लेटर विच केम एंड एवरीवन वॉज लाइक नो Zidane हेट्स Perez, Zidane डज दिस दैट, ही हेट्स मैड्रिड नाउ, इवन दो ही इज देयर इन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स, सिटिंग ऑन द साइड लाइन वॉचिंग दिस टीम बिकॉज ही लव्स द क्लब, ही ट्रेजर्स इट मोर देन एनीथिंग एल्स. तो क्या इट विल अफेक्ट दी सिचुएशन? आंसर इज यस, अ बिट, बिकॉज आई थिंक Florentino विल बी अ बिट हेजिटेंट अब पंगे लेने से, क्योंकि उनको लगेगा कि व्हाई शुड आई बी द वन इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग. लास्ट टाइम दिस गाय लेफ्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर रीजन, दिस टाइम ही माइट लीव इफ आई गेट इन्वॉल्व्ड अ वे टू मच, एंड दैट इज जस्टिफाइड. अगर आप नहीं इन्वॉल्व होगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो छोड़ के चला जाएगा. समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आया. हाँ, तो इसी की बात है कि Zidane के केस में आई डोंट थिंक अब Florentino उतना हैवी हैंड रखना चाहेगा. अगर आप Perez की बात करें तो पावा Perez का मैं एक बहुत सिंपल चीज बता देता हूँ, ही थिंक्स ही इज गॉड एंड दैट इज जस्टिफाइड, ही इज आर गॉड, ही हैज सेव्ड द क्लब, ही हैज बीन देयर, एंड टू बी फेयर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैविंग Florentino Perez एज माई मैनेजर और माई वो क्लब मैनेजर, टू बी फेयर. अब इसी पे एक और चीज जो अराइज होती है वो ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन जो सुरेंद्र भाई आप प्रोवाइड कर रहे हो कि Perez को एक जगह लगता है कि ही शुड बी द मोस्ट पावरफुल, बट ऑन द अदर हैंड वो शायद Zidane को दे देगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही ड्राइव कर रहा.
आंसर है यार, जब तक कुछ होता नहीं है सब कुछ हाइपोथेटिकली होता है। वो मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ वो एक बेस ही उसका ये है कि इट माइट हैपन इट माइट नॉट। अब यहां पे मैं ये क्लियरली आके ये नहीं बोल सकता कि एम्बापे आ जाएगा, जैसा मैंने बोला मे बी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या होता है। बट क्या जिडैन को एम्बापे चाहिए? आंसर इज सिंपली यस, जिडैन वॉन्टेड एम्बापे डे वन से, एंड अगर उसको मिल जाता है तो आई थिंक एम्बापे को वो नेक्स्ट लेवल बना देगा। यहाँ पे एक और प्लेयर की अगर मैं बात करना चाहूँ, अब अटते हैं थोड़ा जिडैन से, मैं इस साइड आना चाहूंगा इस टॉपिक पे, जूड बेलिंगम। मिडफील्डर्स की बात होती थी, अब जूड बेलिंगम पे आते हैं। जिडैन का आना जूड बेलिंगम का इफेक्ट करता है, ये मैं हाँ बोल सकता हूँ, 100% हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि जिडैन वॉज द वन जिसने कहा था कि रियल मैड्रिड तेरे लिए अच्छा क्लब होगा, ये वो, ये सारी चीजें हमें हमारे पास पिछले 4-5 महीने में आ गई है, जब से जूड बेलिंगम से लिंक्ड है, जब से वो लिवरपूल के साथ ड्रामा, ये रियल मैड्रिड में ये वो सिटी जाने वाला है, ये सब में ये आ रहा था कि जिडैन ने कन्विंस किया था इसको, जूड बेलिंगम को, फाइनल के टाइम कि यू शुड कम टू रियल मैड्रिड। दैट क्लियरली स्टेट्स कि उसको एक प्लेयर चाहिए था जूड बेलिंगम लेवल का। अब यहां पे आता है एक नेगोशिएशन पार्ट, रियल मैड्रिड की अपर हायरार्की अब फाइनली नेगोशिएट करने गई है बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, रिपोर्ट्स बाय डियो रियाज। एंड एक और चीज जो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि डियो रियाज का रिपोर्ट ना काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग लगता है, क्योंकि अब अगर जर्मनी में हमारी हायरार्की जा रही है, दैट क्लियरली स्टेट्स वन थिंग कि बेलिंगम को दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू मैड्रिड। कोई कोई सेकंड थॉट्स नहीं रहे हैं, कोई अब इफ एंड बट नहीं है, यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट है कि अब बेलिंगम आएगा इधर ना। मैं एक एक मैड्रिड फैन को ये बोलना चाहूंगा, आप लोग बोलोगे 150 मिलियन ज्यादा है, मानता हूं, बट अगर जूनी कलाफात वो बोल रहा है कि उसको ये प्लेयर चाहिए, लेके आओ जूनी कला भाई। देखो हम लोग बोलते हैं ना मैनेजर्स की टैलेंट आईडी होनी चाहिए, हमें बोलते हैं क्लब की टैलेंट आईडी होनी चाहिए, जूनी कलाफात हैज बीन एक्सेप्शनल फॉर अस यार, फॉर गॉड से ही बॉट रॉड्रिगो, ही बॉट ओडेगार्ड, उन्होंने विनीशियस लाया, वो वेदे वेलवर्दे लाए, मिलेटा उनकी स्काउटिंग है, तो इट इज नो जोक। वो जो जो प्लेयर टच कर रहा है वो सोने में टर्न हो रहा है, और बेलिंगम तो ऑलरेडी सोना है यार, ऑलरेडी सोना है, ही इज द बिगेस्ट थिंग इन मिडफील्ड। अभी आप उसको लाना चाह रहे हो, और अगर हुनी कलाफात लाना चाह रहे हो, डोंट क्वेश्चन इट। मैं मद्रिदिस्तास एवरी वन आई रिक्वेस्ट यू लॉट कि डोंट क्वेश्चन इट कि जूनी कलाफात को क्या चाहिए, लेट इट हैपन, ठीक है। अब लेट्स नॉट गेट इन टू दैट 150 वाला बहुत ज्यादा। यहाँ पे सेकेंड थिंग जो मैं एड अप करना चाहूंगा, वीडियो लंबा खिंच जाएगा वरना, वो ये है कि बेलिंगम का जो अब कमिंग टू टीम है ना, लोग कहेंगे कि मॉड्रिच वगैरह सबको रिन्यू कर रहे हैं, वो ये है कि अब मॉड्रिच और क्रूज को धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करेंगे, बेलिंगम को इंटीग्रेट किया जाएगा टीम में, और ऐसा नहीं होगा कि बेलिंगम सारे 38 के 38 गेम खेलेगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, बेलिंगम शायद 30 गेम खेले, बेलिंगम शायद 28 गेम खेले, बेलिंगम शायद 26 गेम खेले, बट वो 25 गेमों से ज्यादा खेलेगा रियाल के लिए, ये याद रखना अगले सीजन, क्योंकि मॉड्रिच और क्रूज को अब रोटेट करवाएंगे, वो चुआ मैनी को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, वो वेलवर्दे को ऐसा टीम में डालना चाहेंगे, देखो वेलवर्दे भी इंटीग्रेट ही हुए, वो कामा विंगा को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे टीम में, डैनी सिबायोस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे टीम में, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिड्यूस जो टाइम होगा वो बेलिंगम वेलिंगम के केस में नहीं होगा, इट विल बी द केस ऑफ मॉड्रिच एंड क्रूज, उनकी क्योंकि एज भी हो गई है और हायरार्की अब उनसे मूव ऑन करना चाहेगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि दो गुड न्यूज दी है मैंने, दो गुड न्यूज, एक तो पॉसिबल रिटर्न ऑफ जिडैन, एंड द बिगेस्ट न्यूज जो हो सकती है, बिगेस्ट समर ट्रांसफर टारगेट हमारा, जूड बेलिंगम सीम्स रियल क्लोज टू रियल मैड्रिड। अब जब हायरार्की जा रही है तो आप ये समझ सकते हो कि वी आर इन फुल थ्रोटल, कि अब भैया लेके ही आना है, तुसी जा रहे हो उसी ले आओ, ओ माई गॉड कितना घटिया बोला, बट हाँ तो वही है भाई कि अब जितने भी मैड्रिड फैन ये बोलेंगे तुसी जा रहे हो तुसी मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, भाई गेट आउट। मैं बस यही बोलूंगा कि जूनी कलाफात की तुम लोगों ने बात सुनी और बाकी कुछ नहीं। अगर तुम्हें अभी भी बेलिंगम वाली साइनिंग से थोड़ी इफ एंड बट है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं तुम इस, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, गो टू गूगल और एनी सर्च टैब यू वांट टू, ठीक है, सर्च जूनी कलाफात की साइनिंग रियल मैड्रिड में, जस्ट सर्च इट एंड देन से इट। अगर जूनी कलाफात आगे बढ़वा रहा है ना साइनिंग के लिए, तो ले आना है उसे, लेके आना है। और ये मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि
मैंने देखे हमारे आधे वाले तो ऐसे हैं कि नहीं भैया वो तो जरूरत ही नहीं है, वो ऐसा प्लेयर है, ओवर हाइप्ड है। भाई बेवकूफ हो अगर तुम्हें वो लगता है, वो मैं बहुत नॉर्मल टर्म में बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली तुम बेवकूफ हो अगर तुम्हें लगता है कि जूड बेलिंगम ओवर हाइप्ड है और ओवर रेटेड है एज पीपल से ना। लेट्स सी क्या होता है, बट आई अश्योर यू ही इज कमिंग। चलो बाय, टेक केयर एंड लेट्स मूव ऑन। अब आगे क्या करते हैं देखते हैं, और अगर जिडान के ऊपर कोई और अपडेट होगी डेफिनेटली मैं या वेदांत में से आपको कोई इन्फॉर्म कर देगा। तब तक के लिए लेट्स ली बाय बाय। हाला मोडेड इना दमास हस्ताना फिनाल वामोस रियाल सू टेक केयर एंड लेट्स होप मोर गुड न्यूज कम्स टू आर डायरेक्शन एंड वी मूव अहेड। बाय बाय।